हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3500 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है। मित्रों आपका अप्लीकेशन ये 6 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। हम पूरी पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कि किस प्रकार की वैकेंसी है, ये ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, किन किन प्रकार के वैकेंसी हैं, ये हम पूरा पूरा जानकारी आपको देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है और कितना फीस है, पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी के संबंध में हो या फिर रिजल्ट के संबंध में हो, आप तक हम आसानी से पहुँचा सकें। ठीक है मित्रों, तो बिना समय का नुकसान किए हुए सीधे हम बढ़ लेते हैं सूचना की तरफ, देख लेते हैं किस प्रकार की वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, पूरी पूरी जानकारी हम लेते हैं। बढ़ते हैं सीधे सूचना की तरफ। देख सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये देख सकते हैं मित्रों आप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2018-19 संक्षिप्त विज्ञापन। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2018-19 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु और उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देख सकते हैं आप विज्ञापन संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय आशुलिपिक, ठीक है ना, स्टोनी की जो है, स्टोनो की श्रेणी गा संवर्ग पद आशुलिपिक थर्ड श्रेणी, आपकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है, स्नातक एवं डोयक सोसाइटी द्वारा निगित ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, ठीक है ना, स्नातक और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आशुलिपिक थर्ड के लिए। ये 412 पद है, संभावित है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वहीं अगर एज की बात किया जाए तो 18 से 40 साल है, ठीक है ना, 2800 ग्रेड पे इसका है मित्रों। वहीं अधीनस्थ न्यायालय श्रेणी गा में लिपिक संवर्ग की जो वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की है वो इंटरमीडिएट है और डोयर सोसाइटी द्वारा ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी 1484, जी हाँ 1484 के आसपास ये वैकेंसी है मित्रों। और एज का जो लिमिटेशन है 18 से 40 वर्ष है और इसका 2000 ग्रेड पे है मित्रों। वहीं देख सकते हैं श्रेणी गा में ड्राइवर श्रेणी फोर्थ में जो है आपके लगभग 40 पद हैं, इसमें हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का आपको वह वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो, ये आपके लिए क्वालिफिकेशन। 40 पद हैं संभावित हैं, इसका जो ग्रेड पे है आपका 1900 है और एज लिमिटेशन वही 18 से 40 वर्ष। वहीं देख लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय श्रेणी घा के अंतर्गत ट्यूबल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन प्रोसेस सर्वर अर्दली चपरासी कार्यालय चपरासी फर्राज चौकीदार वाटरमैन स्वीपर माली कूली और भिस्ती लिफ्टमैन स्वीपर कम फर्राज, ये आप देख सकते हैं इन प्रकार की वैकेंसियों पर जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और प्रोसेस सर्वर के, देख सकते हैं कि हाई स्कूल अर्दली के लिए जूनियर हाई स्कूल, चौकीदार के लिए जूनियर हाई स्कूल और स्वीपर कम फराज के लिए कक्षा 8 पास होना आपको जरूरी है मित्रों, तो कक्षा 6। और वहीं देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1569 इसी में है आपका, 18 से 40 वर्ष इसका भी एज बाउंडेशन और 1800 ग्रेड पे है। इसमें जो है फोर्थ स्वीपर कम फराज के लिए मित्रों 6000 रुपया फिक्स है, बाकी इस सब के लिए 1800 ग्रेड पे है। अब पूरी पूरी जानकारी आप लोग दे लेते, नीचे देख सकते हैं हम लोग, रिक्तियां संख्या श्रेणीवार घट या बढ़ सकती हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उत्तर प्रदेश अन्य श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर निर्गत एवं उच्च न्यायालय द्वारा लागू विनिर्देश आदेशों के अधीन अनुमन्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट लिंक दिनांक 6/12/2018 से 26/12/2018 तक सक्रिय रहेगा। शुल्क भुगतान की बात कर लिया जाए तो पोस्ट कोड संख्या 1 और 2 हित जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग है उन्हें 500 रुपया देना होगा, बैंक चार्ज आपका अतिरिक्त से होगा। वहीं अगर जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हें 400 रुपया अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा बैंक चार्ज। पोस्ट कोड संख्या 3 और 4 हेतु जो हमारे सामान्य और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके 400 रुपया प्लस बैंक चार्ज अतिरिक्त, और अनुसूचित जाति जनजाति से जो हैं उन्हें 300 रुपया बैंक चार्ज अतिरिक्त। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा, जी ओएमआर सीट पर आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। पोस्ट कोड संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी।
तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट आशुलिपि टेस्ट और तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। परीक्षा टेस्ट की तिथि समय एवं संस्थान की सूचना अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड के माध्यम से बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत विज्ञापन शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य प्रासंगिक की जानकारी और निर्देश उच्च न्यायालय दिनांक www.इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पर उपलब्ध रहेगी। ये आज की देख सकते हैं आप 14/11/2018 यानी कल का संबंध है खबर है ये, तो बड़ी खबर थी मित्रों। तो ठीक है मित्रों, इस संबंध में और कोई जानकारी मिलती है आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये खबर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।